बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूँ आपके साथ विपिन चौबे और इस स्पेशल एडिशन, इस स्पेशल शो, इस बार किसकी सत्ता में हम पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव जिन 9 सीटों पर हो रही है उसमें की सबसे सुपर हॉट सीट यानी मैनपुरी की करहल विधानसभा और करहल की एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ जनता है। तो जोरदार तालियों से सर अपना स्वागत करिए। और ये पता चलना चाहिए कि मैनपुरी वालों में इस उपचुनाव को लेकर उत्साह है कि नहीं है। मैनपुरी वाले उत्साह है कि नहीं है? आवाज दी आ रही है या नहीं है? तो देखिए, यहां का मुकाबला इस बार इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि मुकाबला दो बड़े नेताओं के दामादों के बीच में है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव मैनपुरी में अखिलेश यादव के बाद अब इस सीट को समाजवादी पार्टी की तरफ से संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के दामाद धर्मेंद्र यादव के बहनोई यानी अनुजेश प्रताप यादव पर बीजेपी ने दाव लगा दिया है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है और इस बार के उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दो दशक बाद बीएसपी भी इस चुनाव में उतर गई है। लोगों से करेंगे बातचीत लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमानों को हमने बुलाया है जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव नंदू जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं सदर विधानसभा से, जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी से गौरव कुमार गौरव ये पार्टी का पक्ष रखेंगे और नसीब पठान साहब कांग्रेस से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले गौरव नंद जी, मैं आपके पास, आप बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, आप बीजेपी में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जिस परिवारवाद का विरोध करते आए हैं करहल में वही आकर आप धराशायी हो जाते हैं, उसी यादव परिवार से उसी कुनबे से आदमी उठा लाते हैं, क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं था? क्या आपको अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं था? क्या आपके कैडर में ऐसा कोई नहीं था जो चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे? यादव परिवार से आने वाले शख्स अनुजेश यादव पर ही आपने दाव क्यों लगाया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक हमारी मोदी योगी जी की जो भाजपा सरकार है वो किसी एक जाति या एक समाज की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी लोकतंत्र को स्थापित करती है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको मौका देती है। और जहां तक जो आपका सवाल है करेल के गढ़ में, तो देखिएगा कि समाजवादी पार्टी को पूरे यादव वंश में एक भी टैलेंटेड यादव नहीं मिला। उन्होंने घूम फिर के अपने परिवार के ही यादव उतार दिए। आपने उसी परिवार से यादव क्यों चुना? आपके पास दूसरा यादव नहीं था क्या? दूसरा यादव नहीं मिला था क्या बीजेपी को? नहीं मिला था क्या? देखिए, जब मान सम्मान की बात आ जाए और हमें जो यहाँ के यादव भाई है उनका भी मान सम्मान रखना है, तो हम यहाँ लालू प्रसाद यादव जी के दामाद को जिताएंगे या मुलायम सिंह यादव जी के दामाद को जिताएंगे? तो मैं पूछ लेता हूँ, मैनपुरी वालों ये बताओ, मैनपुरी वालों बीजेपी के यादव की तरफ हो या अखिलेश यादव के यादव की तरफ के? किस यादव? अखिलेश यादव या योगी जी? अखिलेश यादव या बीजेपी? गौरव भाई, आपका पलड़ा इतना भारी लग रहा है, हालांकि ये आपका गढ़ है, ये अजय रही है, आपके पास मैं वापस आऊंगा। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ गई, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीख बदल गई है। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होगा, यानी चुनाव टल गए हैं। यूपी में उपचुनाव की तारीख को बदल दिया गया है। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होगा और यह सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया गया है। हम इस वक्त मैनपुरी में मौजूद हैं और एक एक अपडेट यूपी के उपचुनाव से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप समझिए कि इसको लेकर जनता क्या सोचती है, उस पर आएंगे। लेकिन मेहमानों के पास गौरव भाई, जो माहौल, जो वॉइस, जो जोश, जो उत्साह नजर आ रहा है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन यूपी में उपचुनाव की तारीख बदल गई, 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को चुनाव होंगे। सबसे पहले मैं इसी पर बोलना चाहूंगा, जो ताजा अपडेट आया है, आप अपने चैनल पर अभी चलाइए, भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष से सत्ता में होने के बावजूद भी इतनी डरी हुई है कि वो चुनाव में नहीं आ पा रही है और उन्होंने आगे अपनी डेट बढ़ा ली है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से डरी हुई है कि वो चुनाव में नहीं आ पा रही है, वो चुनाव में आएंगे। 9 सीट पर चुनाव हो रहा है, वैसे 10 पे होना था। मिल्कीपुर पर वो डरे हुए थे, मिल्कीपुर पर पहले उन्होंने चुनाव नहीं कराया, अब जो 9 सीट पर चुनाव हो रहा था उसकी डेट भी आगे बढ़ी हुई है। लेकिन ये तो त्योहारों की वजह से बढ़ गया, 13 तारीख को कुछ त्योहार है,
चुनाव आयोग के पास बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी, क्योंकि तमाम नहान है, स्नान है, तमाम चीजें हैं। इस बीच में रिक्वेस्ट की गई थी, रिक्वेस्ट मान के 7 दिन में क्या हो जाएगा, कैसा डर, किस तरह का डर? सबसे बड़ा सवाल तो इस देश के चुनाव आयोग पे ये है कि ये जो त्योहार था ये अचानक से टपका है क्या? नहीं नहीं, त्योहार पहले, उसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया है। अच्छा, जनता क्या जानती है? क्या ये डर की वजह से हुआ है, त्योहारों की वजह से? डर की वजह से, डर 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 डर। ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले डर गए, त्योहार का बहाना बना लिया और बहाना लेकर चले गए चुनाव आयोग, वहां तारीख बढ़वा ली। देखिए, हमने चाहा कि इस बार सपा वाले ये त्योहार अच्छे से मना लें, क्योंकि इसके बाद उन्हीं के यादव भाई हमारे सब लोग सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, RLD और SP समाजवादी पार्टी सबने तारीख को बदलने की मांग की थी। उसके बाद यूपी के चुनाव आयोग और चुनाव आयोग ने इसकी तारीख को बदल दिया है और 13 नवंबर के बाद अब 20 नवंबर को खैर होंगे चुनाव। इस पर ये 27 में होगा चुनाव, सीधा चुनाव अभी और बढ़ेगा।